राम राम जी। आज आप लोगों का स्वागत है राजा जी के ढाबा में। दोस्तों, त्यौहार हो या ऐसा मीठा खाने का मन करता है कभी भी, तो आप कोई भी मिठाई बनाते हैं, लेकिन मिठाई बनाने में दिक्कत क्या आता है सबको, हम सभी को। मिठाई अगर आसान तरीके से बन जाए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने और कम सामानों से बने, तो कोई भी बना देता है। लेकिन वही बहुत ज़्यादा झंझट होता है, तो कोई बनाना नहीं चाहता है। तो इसी का सलूशन आज हम लेके आए हैं, एकदम आसान तरीके से आपको कलाकंद बताएंगे बिना छेना फाड़े। तो आज हम बनाने वाले हैं पनीर से कलाकंद। तो यहाँ पे देखिए, हम 1.5 कप लेंगे, मैंने 300 ग्राम पनीर को कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से। इतना देर में हम दूध फाड़ेंगे ना, उतना देर में हमारा कलाकंद बन जाता है, बहुत जल्दी बनता है। इस वजह से हम पनीर से बना रहे हैं और टेस्टी तो होना ही है। तो पनीर को घिस देते हैं। तो पनीर को कद्दूकस कर दिए हैं और बाकी रख देते हैं। कढ़ाई इसी पर रख देंगे, 1.5 कप पनीर में 1 कप दूध, इसे हम पका लेंगे। देख रहे हैं ना, दूध डालते ही ये कलाकंद के टेक्सचर में आ गया, लेकिन हमें इसे थोड़ा सा पकाना है पहले। जैसे ही 2-3 मिनट हम पकाएंगे तो दूध गर्म हो जाएगा। बस यहीं पे हमें जितना चीनी डालना है, देखिए हम 1/2 कप लिए हैं, इसी कप से सारा हमारा मेजरमेंट है। इसी से हमने पनीर भी लिया है, इसी से दूध भी लिए थे, और इसी कप से हम चीनी लिए हैं, 1/2 कप है। लेकिन इससे भी हम कम डालेंगे, चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसे हमें अब आँच तेज कर देना है, और हम जिस तरह से बनाते हैं बर्फी, यानी कि जो मिल्क केक बनाते हैं, कलाकंद बनाते हैं, तो जिस हिसाब से जमने लायक होता है उस हिसाब से हम इसको पका देते हैं। फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये जमता है, मतलब 2-3 तार की चाशनी हो जाती है ना, तो दम जम जाता है। तो जब चीनी ये बढ़िया से पिघल जाएगा, फिर आपको हम दिखाते हैं। 5-6 मिनट लगेगा इसको पकने में, ये टोटल कलाकंद 10 मिनट में बन जाता है। जैसे ही इसमें चीनी डालेंगे ना, ये देख रहे हैं पानी एक तरफ हो जाएगा, बस इस पानी को ही हमें सुखाना है। बस इसमें का पानी सूख जाएगा, कलाकंद बन के तैयार हो जाएगा। तो यहीं पे आप इसको जमाने के लिए 3 टेबल स्पून के करीब दूध डाल दीजिए, मिल्क पाउडर, या तो 3 टेबल स्पून सूजी डाल दीजिए। ये सूजी हमारा भुना हुआ है, भुना हुआ सूजी अगर आपके पास नहीं है तो पहले भून दे सूजी को, उसके बाद डाल। तो जब इसमें आप सूजी डालेंगे या मिल्क पाउडर डालेंगे ना, तो इसका पानी एब्जॉर्ब कर देगा। और देख रहे हैं ना, इसका टेक्सचर एकदम हुआ ना कलाकंद की तरह। अगर बड़ा बड़ा दाना हो तो इस तरह से आप मैश भी कर सकते हैं इसको, और मैश हो जाता है ये। तो यहीं पे हम डाल देंगे फ्लेवर के लिए 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, और इसको मिक्स कर देंगे बढ़िया। अब देखिए ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया है, तब इसको जमा लेते हैं, गैस कर देंगे बंद। तो हमारा ये कलाकंद देख रहे हैं किस तरह का इसका टेक्सचर हुआ है। तो आप इसको चाहें तो अभी भी जमा सकते हैं, लेकिन जब हम बाजार से कलाकंद खरीद के लाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं एकदम दूध दूध, जैसे खाते हैं तो मुंह में दूध दूध हो जाता है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे इस तरह से, और इसको लो आँच पे 4-5 मिनट और भून देंगे, और तब इसे हम जमाएंगे। इस तरह का लिक्विडी होता है ना, तो आसानी से जमता भी है और इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और इससे फायदा ये होगा कि जो सूजी हमने डाल रखा था वो भी बढ़िया से इसमें फूल जाएगा, और फिर पता भी नहीं लगेगा कि इसमें आपने सूजी डाला था या नहीं। तो आपको जिस ट्रे में जमाना हो उस ट्रे में थोड़ा सा घी दे दीजिए और उसको ग्रीस कर दीजिए। तो जमने लायक हो गया है कलाकंद का बैटर। अब इसको आपको कैसे पता चलेगा कि हुआ है कि नहीं, थोड़ा सा बैटर को देंगे और इस तरह से थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। जब ठंडा हो जाएगा ना ये, तो इस तरह का गोला बनने लगेगा ये। जब गोला बन जाए तो समझ लीजिएगा कि ये जमने लायक हो गया है। तब इसे डाल देते हैं ट्रे में। तो अब डाल देते हैं ट्रे में, देख रहे हैं
तब जिस जिससे भी चीज से आप इसको प्लेन करेंगे उसमें थोड़ा सा पानी लगा दीजिए, तो थोड़ा सा पानी लगा देंगे और इसका तरह से इसे बिल्कुल बढ़िया से प्लेन कर देंगे। तो यहीं पर थोड़ा सा पिस्ता हम काट लिए हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। तो गार्निश करने के बाद ना हल्के हाथों से इसको प्रेस कर देंगे इस तरह से, प्रेस कर दिए इसको, इसको ठंडा कर देते हैं और ठंडा होने के बाद में इसको फ्रिज में रख देंगे और फिर जम जाता है, फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं कि कलाकंद कैसा बना होगा। तो यहाँ देखिए हमने जो लगा रखा था फ्रीजर में, मतलब वो थोड़ी देर के लिए लगाना था लेकिन रात भर हम लोग लगा कर रख दिए थे, अभी इसको आधा घंटा पहले निकाल के और इसको नॉर्मल कर दिए हैं। अब कलाकंद काट के आपको दिखाते हैं कि कैसा बना हुआ है। आपको छोटा बड़ा जैसा ही पीस काटना हो काट सकते हैं। हम यहाँ पे तीन लाइन बनाएंगे इसका, मिठाई तो सॉफ्ट है बनता ही है कलाकंद। इसको इस तरीके से हम काट देंगे पीस वाइज, आप थोड़ा सा छोटा बड़ा पीस काट सकते हैं। एक बार चाकू घुमा देंगे, वैसे तो चिपकता नहीं है क्योंकि हमने ग्रीसिंग कर रखा है, इसका क्लियर कटता है, किनारी विनारी नहीं टूटता है इसका। तब आपको दिखाते हैं कि एक कलाकंद हमारा बना कैसा है, ये देखिए। अरे भाई देख रहे हैं। तब इसे प्लेट में आपको जैसे भी मर्जी सजाना हो सजाइए, इस तरह से हम रखते जाएंगे, कोई भी पीस निकालिएगा एकदम आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रखते जाएंगे इस पर, कितना बेहतरीन बना है हमारा कलाकंद। तो इस तरह से आप कलाकंद मिठाई बनाइए एकदम आसान तरीके से, ना इसमें दूध पकाने का झंझट है और ना ही छेना बनाने का झंझट है, फटाफट बन जाता है कलाकंद। तो ये हमारा कलाकंद बनाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताया है। तो इस तरह से बनाइएगा और हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप लोगों ने कलाकंद बनाया कि नहीं। किसी भी त्यौहार पर कभी भी आप बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, हमें फेसबुक पर जरूर फॉलो करें, हमारा आईडी है राजी का ढाबा। ये रेसिपी देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हमें और कौन कौन सी रेसिपी आप लोगों के लिए बनाना है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहिएगा। तो हम फिर मिलते हैं नई और आसान रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।